शुक्रिया हमारे सूरीनाम की तमाम जनता और जो प्रदेश के तमाम लोग हैं सब लोग को मेरा प्रणाम पहुंचे आधा वर्ष पहुंचे याद रखना। प्यारे लोग अचानक सूरीनाम में दो टेरर फरदख्तन का गिरफ्तारी हुआ। टेरर फरदख्त राहुल आ एंड नासिर ई इन दोनों को सिपाही गिरफ्तार किया कि ये दोनों ने ISIS के लिए काम करता है। कुछ दिन तक ये दोनों बंद था जेल में और अचानक फेसबुक द्वारा एक धमकी आया, एक धमकी जिस धमकी से ये बात पता चला कि मोहम्मद अहमद अल महदी जो ISIS का सदस्या है ये सूरीनाम के सरकार या यूस्टिसी को धमकी दिया कि जितना जल्दी हो सके तो रफरदाख्तन राहुल आ और नासिर ई को रिहाई कर दिया जाए। तो सूरीनाम से रखेरे के लिए ये धमकी था कि अगर आप चंद दिनों में नासिर ई और राहुल आ को रिहाई नहीं करेगा तो याद रखना 50 लोग जो अंतर दुकम यूनिवर्सिटेट फ्रॉम सूरीनाम 50 यूनिवर्सिटेट का शांतो बोमा जहां जेल है एलिसियम ई के स्टूडेंट को कत्ल कर दिया जाएगा। एक धमकी था लेकिन सूरीनाम का पुलिसी शुरुआत किया जानने के लिए कि यह धमकी कहां से आया है, यह धमकी देने वाला सचमुच सूरीनाम में है या सूरीनाम से बाहर, क्योंकि मोहम्मद अहमद अल महदी ये नाम बहुत कम लोगों का है सूरीनाम में। यह फेसबुक पर आया कि इन दोनों टेरर फरदख्तन को रिहाई कर दिया जाए। इस मामला में एक यूनिवर्सिटेट स्टूडेंट गिरफ्तार हुआ, ये 2 महीने से जेल में था लेकिन 2 महीना के बाद में जैसे आप लोग जानते हैं इनका एक फरलेनिंग एक यानी टर्मेन ओवर स्क्रेडिंग जो हो चुका तो एक यानी कि एक फरलेनिंग होना चाहिए लेकिन ये नहीं हुआ तो इनका एडवोकेट कन्हई जी एक करखदिंग द्वारा इस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को रिहा करवा दिया यानी छुड़वा दिया है। इस अनिदलक इन फ्रे है फिस्टाउट एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो ये पहला खबर मोहम्मद अहमद अल महदी के नाम से फेसबुक पर रखा और धमकी दिया वो था एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उन्हें या उन्हें रेक्टर के हुक्म से उन्हें रिहाई कर दिया गया है। भाइयों बहनों सूरीनाम में आन रेडिंग धक्का ये कोई नई चीज नहीं है। अब हम आपसे नहीं कहेंगे कि पगला ढगला लोग गाड़ी चलाते नहीं लेकिन जो लोग गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं वो लोग सोचे कि गाड़ी उनको चलाना नहीं चाहिए गाड़ी उनको उड़ाना चाहिए। इंदिरा गांधी वक्त में कल एक बस एक गाड़ी में धक्का लगा है 4 लोग ज्यादा घायल हुए हैं एम्बुलेंस के जरिए उन्हें उठा करके हॉस्पिटल को पहुंचाया गया है। कल पुलिस सूरीनाम के तरफ से मुझे खबर मिला भाई बहनों किस जनवरी से लेकर के इस महीना तक 135 मोटर गाड़ी धक्का से उलट पुलट गया टूट टाट गया छितरा गया जर गया वगैरह वगैरह। एक स्टैटिस्टिक दी है कॉरस पुलिस सूरीनाम जो हम लोग को दिया है फंड बेजी से रेखस्ट्राची पर अकादमी जिक्र है इस पर हमारी बो ब्लैक डॉट फॉर द फेफ डर तक फोर टैखन जेट यार ओवर द पप सूखन 135 मोटर गाड़ी भाई छितरा गया गाड़ी
तो आप तो समझ सकते हैं कि कितना लापरवाह से लोग गाड़ियां को चलाते हैं। ए भैया, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आया था अखबार में, काका तू पढ़े होंगे, कि मिनिस्टर फॉर अंडरवेज लिलियन फेरिये बोले, सुन ये 25% जो अमतनारन को फरहोखे मिला है ये लियर क्राफ्टन को नहीं मिलेगा। तो लिलियन फेरिये का कही है कि 25% जो लोइस फरहोखे अमतनार को अभी इस महीना में मिलने वाला है, अभी मिला नहीं मिलेगा, ये लोइस फरहोखे लियर क्राफ्टन को 25% नहीं मिलेगा, ये लिलियन फेरिये अंडरवेज मिनिस्टर ये बात कही है अभी दो दिन पहले। ए भैया, वेलखो फालिस फोर सेटर फंड बॉन फंड ले रारन एंड अलियांसी फंड लेर क्राफ्टन एंड सूरीनाम, ये तो कुदल बप्पा कूदल जैसे तो हम बताई है रे दादा, रे दादा सुनिए का बोले वेलखो फालिस लिलियन को, एक वेलखे नॉनसेंस हो रो फॉर लिलियन द मिनिस्टर फॉर अंडरवेज व एसन फॉर द रेफेरिंग द लेर क्राफ्टन द 25% लोन फरहोखिंग die de ambtenaren vanaf 1 september zullen ontvangen, ook krijgen. Ouders, Willy, Wilco, Fallies. Ab toen hem lo deke, rein me kia hoga. Mokabla, mokabla, mokabla. Minister bole, tena. Fallies bole, hem me milet chani. Geen nonsens. Geen nonsens, William. BVL als eist ook 25% loonsverhoging. Deze sarkar, je sab paisa, shuruaat me loko dekh karke, je apne aap ko ekdam se phasa liya hai. Ekdam se phasa liya hai, kyunki jitna vet hai deshwa mein, ye vet ko pehle aapko badalna chahiye tha. Ontkoppelen lonen van de minister, van assembleeleden, van hoge topambtenaren. Dat kan hij. Lekker, je aap lo je kaam nahi kiye. Kyunki aap lo ke haast hai, aur aap lo kaam kare hai. Hamdani ki dimaag aap lo ladate hai, ya nahi. Kyunki har ek onderhandeling mein, daar moet je niet apna dil nahi, lekin dimaag wahan par logo ko kaam lana chahiye. हमारे सूरीनाम के जनता, अरे दादा ये तमाशा, अभी तो हल्ला दंगा मचाया गया है, देखो क्या हो रहा है बाद में। सुनिए अब एसएलएम का डायरेक्टर क्या कहने वाला है। डायरेक्टर का नाम है लाऊ, अगर लाऊ अगर आप उसको सोचेंगे लाऊ के मतलब क्या है, तो वो लाऊ नहीं है, ये खैरत लाऊ है, एक चिन्हवा। ये क्या कह रहे हैं एसएलएम के कुर्सी पे बैठ करके, वो बात कहा है प्यारे लोग, कि डायरेक्टर ने कहा कि फट बॉन्ड फॉर स्प्रेड फॉल्स न्यूज। अरे अब तू देख, अब तो तमाशा दे, यहां डायरेक्टर और बोंतवा में हिंचातानी है, हिंचातानी डायरेक्टर या डायरेक्सी और ये बोंत में। खैरात लॉ कहते हैं कि जो फगबोविशी है ये झूठ फूठ बात फैलाया, सूरीनाम में झूठ फैलाया है, इसलिए खेन फर्ट्रोन मेर इन बस्तूर फॉर द फगबोंट। बोले हम लोगन अब विश्वास नहीं करते हैं, इनके साथ भी हम लोग रोजगार नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। एसएलएम का डायरेक्टर डायरेक्सी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी में ये बात दर्शाया कि फगबोविशिंग फॉर स्प्रेड फॉल्स न्यूज, और इसलिए अब उनसे संबंध नहीं रखना चाहता है। प्यारे लोग, ये वहां पर बात बिगड़ा है जहां डायरेक्सी
रेसिडेंस इन परमारिबो के पर्सोनेल से बातचीत करने पर कागज टेकन करवा लिया है। आपको प्रेखलें कि उन सलाख से वो लोग जाने जा सकते हैं। वो लोग को पैसा मिला, पैसा मिलेगा। एंड द रेसिडेंस इन परमारिबो जिनके पास पैसा है काका, हम तो है बताई कितना पैसा हुए के चाहिए। और ये पैसा तो आजकल लंदन जेब में लेके घूमत रहते हैं। जेब में जो पैसा के बात हो रहा है, आपको परिखरें रेसिडेंस इन कॉस्ट 8.5 मिलियन। वो तो है जब हम चनारो घरे जाए, लेकिन ये जो होटल है अब ये बिक जाएगा, समझे ना, ये बिक जाएगा मौसी। और जितना में बिकेगा, आप तो जानते होंगे कि सूरीनाम में, अब हम आपसे नहीं कहेंगे कौन तरीका से पैसा लोग कमाया है, लेकिन लोग के जेब में बहुत पैसा काका, जेब में बहुत से पैसा लेकर के लोग घूमते रहते हैं एक एक तास में यहां तो वहां। तो ये बिक जाएगा रेसिडेंस इन एनफी परमारिबो, जो बरसन से यहां पर खली हानि हानि नुकसानी फरलीस फरलीस वो कहते हैं, वो सूरीनाम से लुफ्ट मत सपे, क्योंकि मांडलक्स 350,000 यानी इतना पैसा के बर्बादी होता है, इतना यहां कमाई नहीं है। एसएलएम अपने कमाई से यहां पर ये खर्चा चलाता। अब रेसिडेंस इन के तमाम लोग को अनसलाख, और ये रेसिडेंस इन जिनके पास दौलत रहेगा काका, दौलतिया तो है, आप तो जानते थे कभी कभी आज सुने कोई के मोटर गाड़ी में से ताश चल गए तो 200,000 डाला, 400,000 डाला, ये इतना इतना पैसा लो लेकर के गाड़ी में चलता है। एक खबुआ का पैसा कितने मिलियन में बिकेगा, तो ये बिक जाएगा और लोग खरीद लेंगे। सूरीनाम में अमेरिका का नया एम्बेसडर कारन विलियम्स, ये बहुत जल्द अपना कारोबार सूरीनाम में शुरुआत करने जा रही है। एक औरत है कारन विलियम्स, कारन विलियम्स, इनको अग्रीमेंट मिलेगा क्योंकि सूरीनाम और अमेरिका में कोई झगड़ा नहीं है, न कोई मुल्क से झगड़ा है, लेकिन कारन विलियम्स ये प्रेसिडेंट बाउटर से इन्हें जरूर अग्रीमेंट देगा कि ये सूरीनाम में एम्बेसडर के काम आकर के कर सकती है, क्योंकि ये सूरीनाम के बारे में जानती है। अरे काका का हुआ तेरे देश में, ए मौसी तनी तू समझाओ ने सब बबुआ लोग के, ये कौन सी करत है, ये न ठीक चीज है भाई, न ठीक हमारे देखे में, ये कौन चीज ये लड़कन करने लगा, आदमी करने लगा, बड़े बड़े लोग करने लगा। 5 लोग के गिरफ्तारी हुआ है जो दमोलन में काम करता था या काम कर रहे हैं। फेफ परदाख्तन तवेतन 3 मेजर वर्कर्स एंड 2 बवाकर्स फॉर द मोलन जैसे फर्सेकरी खस्ताउट वे खस्ताउ। सुनिए कहा करने हैं, महेंद्र एर से अशोक केलांडो और बवाकर पे तीरोन और बे अनिल, एक काका ये लोग काहे गिरफ्तार से बता दिए, काहे गिरफ्तार भेल है, ये लोग रह रह करके चोरी करता था। 24 बस्ता पिसान फिरन पेड़ तक जाकन ब्लम, ये लोग हटा करके कहीं एक कोना में धर चुके थे, ले जाने वाला था। और ये बाहर जो निकल जाता है तो बाहर के बेच करके ये लोग पैसा बांट लिया करते थे। 1 बस्ता पिसान का दाम है 200 SRD। ये 5 लोग को गिरफ्तारी हुआ है।
ये चार या पांच मर्तबा ये खेल खेल चुका है, ये छठवां बार था। भला बताइए कि ये लोग ने ये गलत काम तो कर लिया है, लेकिन चार पांच मर्तबा कर चुके थे, अब ये छठवां मर्तबा 24 बस्ता पिसान अब ये बाहर निकाल करके दुकान में बेच करके पैसा जेब में रख लेता। ये पांच लोग अब ये गिरफ्तार हुआ है ना, अब ये लोग का काम छूट जाएगा, ये लोग को जेल में जा करके जेल काटना पड़ेगा, इनकी बाल बच्चों ने दुख काटेगा। ये सब कभी नहीं सोचे ये बात कि जो जेल में जाइए तो घर द्वार छिछरा जाए। अब देखो डायरेक्टर के हाथ में है, लेकिन चोरी किया है, और अगर ये सब पैसा ये लोग लौटा दे, एक मौका दे दे डायरेक्टर, नहीं तो ये सब के घर एकदम से बर्बाद हो जाएगा, छितरा जाएगा। हम कहते हैं सोमवार के शाम को सिर्फ स्टेन लान में एक 48 साल के औरत दुकान से निकल करके घर जा रही है। जब एक बेचारी घर को जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कई मर्तबा लोगों से कहे हैं कि सोना गहना लाद करके कहीं दाम पर नहीं चलना, क्योंकि दाम पर जितने ब्रोफी चलाते उस समय सब चोर निकल जाता है। यह बच्चिया औरत घर दुकान से घर को जा रही है, पीछे से एक आदमी कूद करके इन्हें पकड़ लिया जोर से, और गटई का केती खींच करके कूद करके बैठा अपने स्कूटर पर और रेखते बखरा प्लास की तरफ भाग गया। ये औरत घबरा गई, क्योंकि करीबन 24 साल से ये गटई के केती इनकी गटई में थी 24 साल से। लेकिन 24 साल से, और हम 24 घंटे से नहीं, मैंने 24 दिनों से आपको बात करते हैं कि गटैया में केतिया लाद करके दमुआ पन्ना चल, जौन ब्रोफी चला के जाते हैं उनकी साथ साथ दमुआ भूत है, तब भूतवाओं को समझावे कि देख तू चोर निकल जा, गटैया के जीवा खींच रहे, सब चोर निकल जाता है, कैसे अचानक एक ब्रोफी चला करके और तुरंत गटई में से के से चला गया। तो इतना बात तो लोग याद रखिए, ताकि ये शैतान जो है ना, शैतान हर एक ब्रोफिस के साथ साथ घूमते रहते हैं, और वो आपके गटई या इतना दूर तक हम आपसे बता दे कि एक औरत के अंगूठी यानी कि अंगूठी जो कहते हैं ना, अंगूरी में से न निकलत रहा तो निकाल छुरी काटना चाह, लेकिन जो औरतिया अपने से दांत से खींच करके अंगूठी निकाल करके दे दे, वरना अंगूरी काट करके चोर ले गया था। ये सब बात आप लोग के संदेशा हम दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे कि दिमाग चोर के कमाते नहीं, अरे कमाओ एक सुन लो की क्या बात है, गहना पहना लाद करके अकेले दाम पर मत चलना, बहुत से चोर आपको बहुत से मुसीबत में डाल देगा। जब से ये मिनिस्टर बैठा है निकेरमान अंतुअन एलियास, ये जैसे पता चले बड़ा कमासुत आदमी है, ये निकेरी के जितने इंसान सब बड़ा कमासुत देखा भैया, सब कुछ न कुछ करे मांगे। ये मिनिस्टर का विचार है और द हु फॉर रूल द क्रल्स लैंड एंड खराफन डायरेक्ट तरह एक नया मिनिस्टेरी फॉर फॉल्स को सौंप थे खड़ा करने के लिए। अरे दादा, ये आदमी एलियास मिनिस्टर निकेरमान एक नया हुक कंट्रोल खड़ा करना चाह रहा है मिनिस्ट्री फॉर फॉल्स को सौंप थे। बोले जो पैसा हम लोग उधार ले ली है इंटर अमेरिकन कॉन्ट्रेक्ट बैंक IDB, वही पैसा से हम लोग एक नया कंट्रोल खड़ा करेंगे और ब्यूरो फॉर ओपन बार खजोन थे सौरभ को मरम्मत यानी
रेनोवेशन किया जाएगा। अच्छा बात है, एक अच्छा बात है भैया कि रोड क्रॉसलैंड के कोने पर नया होप कंट्रोल ये बनाना चाहता है, लेकिन ये बन के कब शुरू होगा और ये कब खत्म होगा? इनका कहना है कि अगर अब शुरू किया जाए कि 2028 में ये फॉल्स कसौन थे बन करके तैयार हो जाएगा। एक पुलिची बीरो बनता था, यह है वानिका स्ट्रैट और खमीन जलाशय के कोने पर। यह बनते 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 खड़ा हो गया, खराम तक खड़ा हो चुका, लेकिन वहीं पर जा करके इन्हें रोक दिया गया। और सरकार न मिनिस्ट्री का उपमार का न आनईमर न मिनिस्टर फॉर जस्टिस एंड पॉलिसी निमांड वेल अनफरक्लारिंग अफलेख और खुरंत वार पान इस खबर खस्तोट। हम लोग सोच रहे हैं द मिनिस्टर फॉर पॉलिसी एंड जस्टिस हम लोग को बताएगा कि क्यों ये खबर अभी तक खड़ा है और ये काम यहां पर नहीं होता है, क्योंकि उसमें बड़ी पैसा लग चुका है। और वहां पर अगर पुलिस शिविर आ जाएगा तो समझ जाओ कि सरनाम के लिए इस अनविंस्ट वहां पर जरूरी है दैट इट हो ब्यूरो फॉर पुलिस कॉम्ड, लेकिन मिनिस्टर एल वी डन ओक मुत मत फरक्लारिंग कूमन काहे के अभी तक वहां बंद है। अगर आप क्यों है मुझे स्वरूप, लेकिन अगर कुछ उसमें रिपराक्षी है तो मुझे जुन, लेकिन सरकार को इतना पैसा लगा करके और ऐसे समस्या को नहीं छोड़ देना चाहिए। तो फलस को सौसे बनेगा तो रोज क्रॉसलान एंड खराब में रेस्तरा की कोने पर, लेकिन पुलिसी एंड जस्टिसी होप कंटोर वानिका स्ट्रैट और खमीनास कोने पर जो बनाया जाता था कम से कम वहां पर काम शुरू हो जाना चाहिए। प्यारे प्यारे लोग, दो साल के लड़का, दो साल के लड़का जो सरमक्का में गुजरे हफ्ता को जिनका मृत्यु हुआ, दो साल के एक बेटवा जो सरमक्का में जिनका मृत्यु हुई, ये लड़का रिपोर्ट सिपाही के रिपोर्ट से ये बात पता चला कि इन्हें यानी इनकी मां इस लड़का को भूखे रखा मर जाने के लिए, उन्हें भूखे रखा। ये आज बड़ी अफसोस के बात है, ये बात कह रहे आप लोगों से भाइयों, एटवेयर किंट नटन वेग तरफ सरमक का ओवरलेज वॉस फॉर होंगर्ट। पता नहीं है कि मां ने कितना दिन तक इस लड़का को दूध नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, इसी कारण से लड़का बीमार होकर के इनका मृत्यु हो गया है। आज को फॉल ऑफ दारफान शो है किन ऊपर खरीफ मोमेंट से ऊपर ले जा पता लोग ये बात देखा है कि खेल कई के लफा मिस्त रहे, यानी इस पर कोई अत्याचार वैसे नहीं, सिर्फ इन्हें खाना नहीं दिया गया कि ये मर जाए, इन्हें को खाना नहीं दिया गया, इन्हें खाना नहीं दिया गया न कुछ पीने के, और इन्हें भूखा रखा गया कि इनका सांस बंद हो जाए और ये बच्चा मर जाए। जब मां को बताया गया कि तुम्हारे लड़का के देहांत हो गया है तो वो उठ करके और आसपास में एक जंगल है
उसी जंगल में जाकर के लुका गई है। अनेक अनेक प्रकार के चीज होता है भाइयों। मैं क्या देख रहा हूं कि वैष्णवसेई के जनताओं इस वक्त वहां पानी भरने लगा। वैष्णवसेई लोग के मैदान में, लोग के घर के नीचे बहुन स्व वैष्णवसेई हाउडन हिल हार्ट फास फॉर द कोम एंड द स्प्रिंग फ्लूट वन सेवन एंड ट्वेंटी सेप्टेम्बर नी आउ सेंटर सेवन दी ग्रेंजन आन सेई अंदर गलोपन। Vee moet worden verplaatst naar hogere plekken en gewassen gaan dood vanwege het zout water dat binnendringt. Weg naar zee, शुरुआत हो गया, पानी आने लगा है। हमारे सूरीनाम के जनता, यही कारण है कि ऑर्गेनाइजेशन एक एक शर्मा में एक क्रीमाटोरियम एक क्रीमासी वहां खड़ा किया है लोगों के लिए। शायद आज वो रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन रास्ता को बनाया जाता है। सरकार अब ये रास्ता को और ऊंचा करेगा ताकि लोग हमेशा जहां पर वो लोग चाहे जाकर के दाह संस्कार एक लाश को कर सकते हैं। जनता के मालूम होना चाहिए कि एक दिन वैष्णव से ही ये झटका पानी से शायद नहीं रहेगा। दुनिया भर आप देखिए, दुनिया भर में पानी इस वक्त चल रहा है, लेकिन सरकार आप लोग के लिए नहीं सोचा। एक क्रिमासी का फरीनखिंग मस्तूर ये बात सोच करके और जनता के लिए एक बैकअप लोग कहते हैं एक क्रिमासी और एक में बनाया है। ये कोई खिलवाड़ चीज नहीं है। एक क्रिमासी वोट बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए ये कोई छोटा बात नहीं है। ये कोई फुटबॉल शॉट नहीं है और ये कोई टर्न नहीं है तरकारी लगाने के लिए। इसमें दिमाग काम लगाया गया है और जो इंसान का दिमाग नहीं है वो ये सब काम नहीं कर सकता है। वहां पर एक दाह संस्कार के लिए हर एक चीज तैयार है। लेकिन भाइयों, अगर एक इंसान एक पैजामा खरीदना चाहता है, वो चिनुआ के दुकान में 100 रुपया मिलता है और वही पैजामा बुटीक में 500, तो वो 100 रुपये वाला नहीं खरीदेगा, वो 500 रुपया वाला जाकर खरीदेगा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि वही पैजामा जो चिनुआ के दुकान में 100 में मिलता है, बुटीक में 500, वो 500 निकाल करके खरीद करके पहनेगा, लेकिन चिनुआ के दुकान में वो जाना नहीं चाहता है। क्योंकि सूरीनाम में इसी तरीका से हम लोग को बड़ा किया गया है कि आपके अंदर में घमंड रहना चाहिए, आपके अंदर में अहंकार रहना चाहिए और आपके अंदर में दुश्मनी करना चाहिए। ये सब चीज हम लोग के दिल में गोदा गया है, इसलिए इंसान सब बात समझ नहीं पा रहा है। जब रोजाना इंसान प्रभु का प्यारा होता है तो हमारे आंख से आंसू गिरता है, हम रोते हैं और उसके बाद दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद उनका नाम, उनका पता का जिक्र नहीं होता। फिर हम लोग को अपना आदत बदलना चाहिए, हम लोग के अपना आदत को बदलना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर में कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। प्रभु परमात्मा मनुष्य को जन्म दिया है, न गरीब अमीर को। अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में वेरल अरखनी सासी ने यह बात तय किया कि सूरीनाम में सबसे लेसी आदमी सूरीनाम में पैदा है, यहां रहता है, लेस्टक इंसान, लेयो मेंशन नंबर 8 इन द वेरल ए सूरीनाम, फिर अंटीगुआ और फिर ध्यान से बारबाडोस।
ऐसे ऐसे करके एक ये बात जो है लेस कट। औरत लोग दिन भर टेलीविजन के सामने, मर्द लोग जाकिट पहने खाली तड़क भरत दिखाते हैं, हल्ला दंगा मचाते, लेकिन काम नल कमांडर, नल कमांडर। आप देखिए ये देश के हाल जो प्यारे लोग, अब आप देखिए पुलिस क्या कर रहा है। 10,000 लोग जो गलत गाड़ी चलाया है सरना में, जिनों को डांट भरना चाहिए वो डांट भरना नहीं चाहते हैं। 3 दर्जन पर केस फोनसन, 3 दर्जन ना एगो, 10,000 द पुलिस पारी रेशियो वेस्ट एक कंपनी का शुरुआत की है कि 10,000 फोनस जहां पर जनता को पैसा करके भरना चाहिए, कहीं 1700, कहीं 1800, कहीं 500, कहीं 400, अब ये शुरुआत होने को जा रहा है भाइयों। हर एक 10,000 बोनस इतना पैसा सरकार लोग से भरवाएगा। बेस्ट ऑफ बोथ हाउसेस एनफीबी इस वक्त स्टॉकिंग से है, आखी से है भाइयों, क्योंकि लोगों को पैसा नहीं मिला। वो लोग पैसा नहीं मिलता वो लोग को, तो वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। वे मुझे वो बताओ टॉर्जन फॉर ऑफ दिन इवन बोम अंडर फोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेस एंड बोम फॉर द सूरीनाम। ये कल ऐलान किया कि जब हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग गाड़ी वगैरह नहीं चलाएंगे। ऐसे नेशन तमाशा आप लोग के सामने हम रख चुके हैं भाइयों है? और प्यारे लोग धोखे हम बचा। एक आदमी बेचारा मिलून बेचता है, सुनिए तमाशा काटी। बहुत घर भर तोरे जैसा है, एक 47 साल का आदमी ये बेचारा टू कॉम्स वेख में वाटर मेलून बेचता है, वाटर मेलून तरबूज बेचता है। अचानक एक स्वर्त वाहन करिया गाड़ी आकर के रुका, उसमें से एक खरीदार बाहर निकल करके और लगा पूछताछ करने, कितना ये मेलून का प्राइस है, कितना बिके, कितना ये, कितना वो, कितना वो। आदमी बताते गया कि हाँ इतना बिक गया, इतना में इतना। बोले अच्छा, तो फिर अपने गाड़ी में गए, ये सोचे पैसा लेने के गया। ये अच्छा सोचे कि गाड़ी में जा है पैसा लाते। हे पक्त एक्टरन याकवेर, एक बंदूक निकाली भैया, बोले पैजामा में जितना पैसा निकाल, जल्दी जल्दी निकाल। वो बेकार डर के मारे 4,350 और जितने सोना गहना निकाल के बस ये फिर बैठा गाड़ी में और उसके बाद भाग गया। आप बताइए कौन चीज तुम्हारे देशवा में अब होने लगा काका। बहुत गड़बड़ भैया। आज हम ये बात आपको बताए हैं कि देश में बहुत से चोर बाप, बहुत से चोर, समझे ना। एक नेखन तीन यार वानिका के ये घर से निकला और अभी तक वापस नहीं आया। एक लौंडा के बात हम कर रहे हैं ना, छोरियन छोरी तो 2-3 को भाग गया जब घर छोड़ के, लेकिन एक नौजवान भी अप्रैल से घर से निकला है और अभी तक लौट के आया नहीं, समझे ना। तो ये सब बात रहा। एक बात और सुन लो काका, जितना शोफेर है तनी ध्यान से सुनियो, जितना गाड़ी सरना में लोग चलावत है तनी ध्यान से सुनो ना, दारू रुपये थे तो बंद करो तनी से है? और तनी सुन बात, यही लक्ष्मण श्राद्ध के बात हम करेला। अब एक आदमी गाड़ी में जा रहा है, रात के समय है, तो बीच में एक आदमी ब्लाउ कपड़े पहन करके
यूनिफॉर्म ब्लाउ दो वहां पर है और हाथ में एक चिराग है, एक चिराग हाथ में है। बस उस चिराग से उन्हें कहा रुकेंगे, और जो आदमी आकर के रुका तो उनसे कहा बगल में खड़ा हो, दो खड़ा है, दोनों ब्लॉक यूनिफॉर्म में है। आपके विचार हुआ कि ये सिपाही है क्योंकि दो है, उनके हाथ में एक फ्लैश लाइट है, उसको बाहर करके आपको बगल में करवाया और आपने बगल में खड़ा हुआ और आप शुरू कर लो अपन रेविवेश निकारे के नंबर। तबले क्या देखे तुम्हारा गटई के बगल में एक बंदूक के लूप लगा है, बंदूक के लूप। यही वाणी एक लक्ष्मण स्त्राद के बाद हम करीला, लक्ष्मण स्त्राद के बाद हम करीला। दो दो आदमी यूनिफॉर्म में, आप सोचो कि सिपाही में रोकत है, लेकिन वो बेचारा रुका बगल में खरवाइस। ओकरे बाद में वो शुरू कर अपना रही विवेश और नंबर विवेश निकारे के, बट तब ओकर गटई के सामने एक बंदूक के लोग और उनका जितना पैसा ताश वगैरह हजारों रुपया पैसा और केची सब छीन के चला गया। वो दोनों कूद करके बैठा, इसे इसे भाग गया, अकाय भगा। बाद में सब देखे और गाड़ी आवत है, इसलिए वो लोग कूद करके अपने गाड़ी में बैठ के भाग गया। भाइयों, हम लोग देश में भूचर नहीं है। ये अचानक जो चीज हो जाते हैं सब लोग डर जाते हैं, लेकिन चोर लोग को तरह तरह की चीज बनाए हैं आपके लूटने के लिए। कैसे वो वाटरमेलून के आदमी सोच रहा कि प्राइस पूछ करके, वो सोचे कि गाड़ी में जा रहा है पैसा लाने के लिए, लेकिन जब गाड़ी में से लौटे तो बंदूक ले करके लोप, इतना लंबा लोप का अब एक दाम पर दो, एक यूनिफॉर्म ब्लो यूनिफॉर्म पहन करके फ्लैशलाइट से आपको रोक करके बगल में खड़ा करता। आप कैसे न सोचियो कि सिपाही है ये और तुम्हें लूट करके चला गया। आप इतना बात याद रखियो, अपना राइट जो है कभी नहीं खोलना, राइट से तनी देखो कि सच बात किया है। जब सच्चाई सामने आए तब चिक्के मारी आईना आईना तो नीचे उतारो, क्योंकि आप अपने सेफ्टी के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए, सेफ्टी के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि देश बहुत से बिगड़ गई है। और ये काहे के बिगड़ा है, क्योंकि हमारे देश में इंसान जो रहता है वो ज्यादा दिल से काम करता है, दिल लेकर के दिल पर बड़ी भरोसा रखता है। लेकिन जो इंसान दिल से काम करते हैं वो सिर्फ मोहब्बत प्यार मोहब्बत के चक्कर में जाकर के फंस जाता है। जो दिल से काम करते हैं वो सिर्फ थोड़े दिन के थोड़े घंटे के लिए मौज मस्ती के लिए वो अपना दिल के काम में लाता है, लेकिन दिल छोड़ करके मनुष्य को दिमाग काम में लाना चाहिए। तुम्हारा हेयर सेल जो है कंप्यूटर की तरह काम करना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई अन्याय न हो सके। लेकिन देखो जसवा में वो तमाशा होए बप्पा, वो तमाशा के समझियो और के ना समझियो ना। प्यारे लोग, जनता, हमारे सूरीनाम की जनता, आज मैंने कोशिश की कि जो जो बात आप तक रहा बताने के लिए ना, वैसे अमतनारन का पेंशन एड अमतनारन को इस महीना में 125 और मिलेगा, यानी 500 जिस तरह से अमतनारों को मिलता गया था ना, वो आपको मिलेगा ना। देखो कोई हिसाब से अपना जीवन चलाओ ना, हर एक चीज तो महंगा होते जा रहा है। श्री लक्ष्मीपति मंदिर जो तुलिफो कनाल व्यक्त में है, ये लोग अपना 35वीं जयंती को मनाया है। हम लोग यहां से मिलकर के सब सदस्यों को, बस्तीर को, जनताओं को, आप लोग को बधाई हम लोग दे रहे हैं। श्री लक्ष्मीपति मंदिर 35 साल, मुझे पता है कितनी मेहनत से मंदिर के कारोबार आप लोग आगे बढ़ाते हैं, मंदिर के काम, समाज के काम, कितनी आप लोग हिंदी लेस देते हैं औरतों को, फिटनेस और हर एक चीज आप लोग करते हैं वहां, ये बहुत अच्छा काम ना, और धर्म के काम, तो आप लोग को हम लोग बधाई पेश करते हैं।
कभी कभी कुछ ऐसा जरूरी बात रहेगा तो आप लोग राह पार के दरवाजा आकर के खटखटा सकते हैं, हम लोग आप लोग को मदद करने के जरूर तैयार रहेंगे। नाजा मोहम्मद अशीम, नाजा मोहम्मद अशीम, समझ लीजिए नानी हम लोग के, ये 9 सितंबर 100 बरस के हुई है, 100 बरस का इनका 10 सितंबर के बफोल्सन रजिस्टर इस ऑफ 10 सितंबर 100 यार खोदन। ये भैया आशिम, हाजी आशिम साहब जो है ना, उनकी मां है और मुजफ्फर फाइव केंद्र, फेटी क्लाइन केंद्र, फीडन ट्वेंटर आख्तर क्लाइन केंद्र, इन आख्तर आख्तर क्लाइन केंद्र अभी तक तंदुरुस्त है, मजहब के काम और मजहबी और वगैरह वगैरह। लेकिन खुशी की बात यह है जब सूरीनाम से मुस्लिम एसोसिएशन का फोर्सेटर हाजी साहब, हाजी मिशेल सुभान साहब, नानी के लिए कुछ विचार किया और अच्छा विचार भी किया। हज्जा नाजा मोहम्मद आसिम, हज्जा नाजा मोहम्मद आसिम, इन्हें सूरीनाम से मुस्लिम एसोसिएशन की मां के करार दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बनोम तक मुदर फंड एस एम आर सूरीनाम से मुस्लिम एसोसिएशन के मां, यह करार उनको दिया गया है। हम लोग बहुत से बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि 100 साल से ये अपने बेटों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिंदगी बसर करती है। इसलिए सूरीनाम से मुस्लिम एसोसिएशन का फोर्सेटर जो है हाजी मिशेल सुभान साहब, अपने बस्तूर के साथ यही फैसला की कि हज्जा नाजा मोहम्मद आशिम को सूरीनाम से मुस्लिम एसोसिएशन के मां के नाम से पुकारा जाए। तो मुदर पंद ऐसा मां, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, इंशाल्लाह मुबारक हो। एक बच्ची को हम बधाई देने के लिए जा रहा हूं, रवीना फेई दुर्गा, रवीना फेई दुर्गा यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। 6 सितंबर को ये बिटिया पास हुई है बैचलर ऑफ साइंस इन खस्कीदनेस, बैचलर ऑफ साइंस इन खस्कीदनेस। बिटिया के मां के नाम है शारदावती महेश, एक बहन है रिनुष्का और बहनोई है किशन। सूरीनाम की जनता एक मिनट तक सुनिए कि एक बारे में हम क्या कहना चाहूंगा रवीना के बारे में, रवीना का स्क्रिप्सी के बारे में, रवीना के स्क्रिप्सी के बारे में खबोर्त ओपरलेडन सेरेमोनियम एंड रिट्यूएलन द हिंदूस इन सूरीनाम फनफ 1950 तक हेडन। आप समझ गए लगा कि हिंदू धर्म में कैसे उनका जन्म हुआ, कब उनका मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जितनी पूजा पाठ और काम क्रिया सब होते हैं सूरीनाम में सन 1950 से आज तक जो होता है, ये बच्ची अपने स्क्रिप्सी में लिख करके कौन तरीका से जन्म पाया है, मृत्यु हुआ है, काम क्रिया कैसे हुआ और सन 1950 से लेकर के। ये बच्ची को हिम्मत रहा ये बात लिख करके
और यूनिवर्सिटेट में लोगों को बताने के लिए। मैं खास करके रवीना पी दुर्गा को यहां से बधाई देना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये सब चीज हिंदू धर्म में जो हो रहा है या जितनी मृत्यु में आप लीक करके और उन्हें यूनिवर्सिटेट में उन्हें प्रदेश आप किए हैं जहां दुष्यंतम था और आप अपना स्केप्सी के बारे में बातचीत की और आपको मिला बैचलर ऑफ साइंस इन कस्किजनेस। हम चाहते हैं कि रवीनाथ पी दुर्गा हमारे निमंत्रण पर यहां रापर में आकर के हम आपसे खुद ये आपके स्क्रिप्सी के बारे में आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि सब लोग देश के समस्या दुनिया के समस्या और ये न वो लेकिन आपने खबर का जन्म मृत्यु और काम क्रिया के सिलसिले में एक स्क्रिप्सी तैयार की जो सब लोग को मालूम होना चाहिए किस तरीका से ये सब बात है। जो रवीना बिटिया एक नोडिफिकेट हमारे जो यहां कांतोर है वहां तार करके आप पूछ ले कि कौन दिन आप आना चाहते हैं तो आपको समझा के 5 बजे के बाद यहां यू स्टूडियो में कि हम आपसे कुछ कुछ सवाल करना चाहते हैं कि आपका जो स्क्रिप्सी है ये हमारा देश जनताओं के लिए है हम लोग को सब लोग को जानना चाहिए। तो रवीना बिटिया से हम गुजारिश करते हैं मार्टिन अस्प्राक हमारा यहां दफ्तर जो है लक्ष्मण सराफ एंड वनेर की लंग्स विल कोमन हेल प्रोग्रेम मार्टिन सेल्फ अस्प्राक हेल की ऑफ वनेर यू लंग्स विल कोम एक विल ओवर स्क्रिप्सी में त्यू है कि आप जनता को बताओ कि स्क्रिप्सी आपने लिखी से क्यों लिख रहे और जनता के लिए कितनी फायदे की बात है। नौकमा से रवीना हे हाथ लग बदाग बिटिया एंड खफेरी सीते ये बुदर ओक ये सच ओक ये स्वाकर ओक आलमाल एंड जहां आप रहते हो वहां की जनताओं को भी मैं बधाई दे रहा हूं। भैया जी आगे चल करके आप जाने कि इंडिया से अम्बेसडर मेरे पास भी यहां पर आया था अम्बेसडर महेंद्र सिंह कानियाल जी ये भी कुछ दिन पहले गुजरात के पास भी गई है एंड एक फिल्म डॉक्टर महेंद्र सिंह कानियाल ये हम लोग के साथ अगर हम लोग मिल करके और समाज के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं मैं खास तौर पर महेंद्र सिंह कानियाल को फिर एक मरतबा उनके दावत दूंगा ताकि हम कुछ प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करना चाहते हैं एंड प्रोजेक्ट दैट एक सामन मैंने इंडिया से अम्बेसडर विली रियलिशन इन सूरीनाम हम यहां एम्बेसडर को एक्सलेंसी को महेंद्र सिंह कनियाल को न्योता देने के बाद हम लोग बातचीत करना चाहेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में जो खजामलत हम लोग मिलकर के और जनता के तोहफा के रूप में देना चाहते हैं। जिस इन्हें मैं बहुत जल्द न्योता दे करके और हम बातचीत करना चाहते हैं एक नया प्रोजेक्ट के बारे में। प्यारे लोग जनता ये सब बात कह करके फिर देखो 3 लंदन गिरफ्तार भी शंकर बी फाइजल एफ एर दिनेश ये 3 लंदन गिरफ्तार हुआ है ये लोग एक घर में घुस करके चोरी की है मिंदर वैक में 3 नौजवान लंदन ए बाप माई तनी बात करो अपने लड़कन से बहुत गड़बड़ हो जाएगा देश ये देश की समस्या सुधारने के लिए आप लोग को जरूरी पड़ेगा लेकिन जो लोग अलग अलग चलने लगा है मुझे बहुत दुख होगा कि आप इधर के न होंगे और उधर को नहीं होंगे। आप लोग अच्छा से रहियो आप लोग से मैं फिर मुलाकात करूंगा शुक्रिया।